अब चलते हैं टोक्यो के एक अलग तरह के आर्ट एग्जिबिशन में। ओहो, कितनी प्यारी है ये सुंदर मूर्तियाँ। ये जापान के आर्टिस्ट रायो सहता की पेश की है और इन मूर्तियों को इन्होंने पूरी तरह सेलो टेप से बनाया है। चौतीस साल के इस आर्टिस्ट का मानना है कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपनी मूर्तियों के लिए कम से कम 140 किलोमीटर लंबी सेलो टेप इस्तेमाल कर ली होगी। हाल ही में इसी एक मूर्ति को बनाने में इन्हें 2 साल और 4,000 सेलो टेप्स के रोल्स लग गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथों में घाव के बहुत निशान हैं और रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी के कारण मेरी उंगलियां अब हिल नहीं पाती हैं। मैंने सच में अपना खून पसीना अपनी कला में बहा दिया है। वाह, क्या चिपकू किस्म के कलाकार है ये, मान गए।